मैं इंस्पेक्टर सुनीत कुमार, 11th NDRF वाराणसी से। मेरी एक टीम RRC भोपाल में रहती है, जो कि हमें कंट्रोल रूम द्वारा मैसेज प्राप्त हुआ कि 4 विक्टिम फंसे हुए हैं नर्मदा नदी पर। तो हमने वहां से फर्दर अपना मूवमेंट किया और वहां से मूव करने के बाद यहां पर जब पहुंचे तो हमने देखा कि नर्मदा नदी का पानी का स्तर काफ़ी तेज़ था, जो कि पत्थर होने की वजह से हमें बोट डालने में असमर्थ हो रहे थे। तो फिर हमने अपना रोप रेस्क्यू की मदद से चारों विक्टिम को सुरक्षित बाहर निकाला और किसी भी प्रकार की उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। सर, क्या परेशानी आ रही थी रात में? रात में हम लोग यहाँ पर एक्चुअली आए नहीं, हम अभी यहीं सुबह पहुँचे हैं, तो उसके बाद हमें रात का सिचुएशन का पता नहीं है, लेकिन बोला जा रहा था कि जैसे प्रशासन की तरफ से कि रात में फ्लो पानी का ज़्यादा था। सर, जैसा कि मानसून चल रहा है, लोगों से क्या अपील है, आपकी टीम करना चाहिए? मेरी यही लोगों से अपील है कि कम से कम पानी के नज़दीक जाएं, या यदि अगर पिकनिक या मछली मारने जैसे या पानी में नहाने जैसे कोई इस तरह की गलत एक्टिविटी ना करें, क्योंकि मानसून ज़्यादा इस समय है, नदियों खतरे के निशान से ऊपर चल रही हैं सभी नदियाँ। तो हम यही अपने संदेश देना चाहेंगे कि वो किनारे करके नहाएं और या मछली पकड़ें तो किनारे से पकड़ें, ताकि कोई इस तरीके की फंसे ना। उसमें से एक की तबीयत भी गड़बड़ थी, मिर्गी वगैरह आ रही थी। हाँ, जो 4 में से एक तो मिर्गी आ रही थी, तो उसमें उसको हम लोग काफ़ी सांत्वना देते हुए बाहर निकाले। एक बार वो वहाँ पर बेहोश भी हो गया था, तो उसको पानी वगैरह मार करके फिर उसको पुनः वापस